देवरी जनपद के तरकुलवा थाना क्षेत्र के सिसवा गांव में खलिहान व सरकारी भूमि पर दबंग भूमाफियाओं का कब्जा। ग्राम प्रधान और लेखपाल के सहयोग से वर्षों से 18 बीघा सरकारी व खलिहान की भूमि पर कब्जा है, जो सरकार की अरबों की संपत्ति है, और भूमाफियाओं से मोटी रकम लेकर ग्राम प्रधान व लेखपाल सरकारी जमीनों पर कब्जा करा रखे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीण उदयभान यादव ने एसडीएम से की। मौका जाँच में सरकारी भूमि पर कब्जा पाया गया, जिसका न्यायालय में वाद दाखिल के बाद न्यायालय ने भी सरकारी भूमि खलिहान पर बेदखली का आदेश कर दिया। यह देख ग्राम प्रधान ने अपने दर्जनों सहयोगी और कब्जा धारक के साथ शिकायतकर्ता के घर पर हमला बोल दिया, जिसकी सूचना पीड़ित ने फोन से पुलिस को दी। योगी पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया और पीड़ित को लोगों से मुक्त करवाया। पीड़ित ने बताया कि सरकारी भूमि खलिहान पर दबंगों ने अपना कब्जा जमा लिया है और जिसकी शिकायत हमने अधिकारियों से की थी। वहीं उपजिलाधिकारी विपिन द्विवेदी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, बेदखली जुर्माना वसूली का आदेश हो गया। टीम गठित कर सरकारी भूमि खलिहान से कब्जा तत्काल खाली कराया जाएगा और वसूली भी की जाएगी। पीड़ित ने बताया कि इसी बात से खारखाई ग्राम प्रधान एवं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के दर्जनों सहयोगियों ने जान से मारने की नीयत से हमारे घर पर रात में हमला बोल दिया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मेरे परिवार व मेरी जान बचाई। कब्जा है, देखिए कुछ हमारे गांव के दबंग एवं मनभड़ किस्म के व्यक्तियों द्वारा खलिहान के ऊपर और प्राइमरी विद्यालय पर की जमीन पे अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसकी सूचना हमने 6 महीना पहले एसडीएम देवरिया को दिया था, जिसमें कार्रवाई हो रही थी और बेदखली का आर्डर भी हो गया, जिसके चलते ग्राम प्रधान पति रामधर यादव द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और हमारे घर पे जाके गाली गलौज भी किया जा रहा है। इसकी सूचना आपने कहाँ कहाँ दी है? इसकी सूचना आज से 3 महीना पहले मैंने एसपी कार्यालय को भी लिखा था कि मेरी जान माल की खतरा है, तो क्या मालूम क्या उसमें रिपोर्ट लगाया गया। क्या वाकई में किससे आपको जान का खतरा है? हमें गांव के प्रधान प्रतिनिधि और उनके जो मनवड़ किस्म के व्यक्तियों द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है, उन्हीं लोग के द्वारा हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, उन्हीं से हमें डर है। अभी आपने किसके जमीनों पर जांच कराया है, रिपोर्ट लगा है? अभी एसडीएम देवरिया को मैंने चारागाह की जमीन पर कब्जा भूमाफियों द्वारा किया गया है, जिसके सूचना मैंने दिया था। 11 तारीख को डेट भी मिला है कि 11 तारीख को चारागाह की खाली कराया जाएगा। उसके पहले आप सामने देख ही रहे हैं कि प्रधान कितना चैलेंज देके कह रहा है कि किसकी औकात है कि चारागाह की भूमि को खाली करवा देगा। तो हम तो डीएम साहब और एसपी साहब और एसडीएम साहब से यही विनती करेंगे कि आप लोग कृपा करके अतिक्रमण मुक्त कराएं। क्या नाम है, कहाँ कराने वाले हैं? नाम है उदय भान यादव, सिसमा का रहने वाला हूँ। क्या दिक्कत है यहाँ आने का, रास्ता आने जाने का दिक्कत है आगे बढ़ा जी? तो ये बताइए, तो सरकारी जमीन है तो उसमें तो रास्ता चल ही सकता है? चल सकता है, जबरदस्ती है। जबरदस्ती कौन तो कैसी जमीन है? वो भी सरकारी है जगह। हाँ, कौन कब्जा किए हैं? अच्छा, उनका विद्यालय की जमीन? नहीं नहीं, विद्यालय उनके पीछे। अच्छा अच्छा, तो कब्जा कर दिया? आने जाने का पहले रास्ता था लेकिन बाद में बंद कर दिया। अच्छा, अभी वो रास्ता नहीं चल रहा है? चल रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? जो चरगाह की जमीन है, और क्या चाहेंगे? जो चरगाह की जमीन है उस पर भी कब्जा किया गया है? हाँ हाँ, उस पर भी। कौन लोग हैं, क्या नाम? अभी एक ही आदमी का नाम है, मैंने कई लोग कब्जा किया। हाँ, कई लोग। यहाँ पे भी पता चल रहा है कि आपके खलिहान पे भी जमीन पर कब्जा है? हाँ, है ना। तो उस पर जाँच भी हुई थी? अरे कई बार जाँच हो चुका है लेकिन हटाया नहीं जाता है कब्जा, ऐसे केवल कागज में ही सीमित। बस बस, कागज चल रहा है। आप किस गांव के रहने वाले हैं? सिसवा राव। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग खाली जगह चाहते हैं, मालिक किसी का बारात घरात बेटी बहन का शादी हो, खाली हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या नाम है? हमारा रमेश गुप्ता नाम।